Hello students, till now we have learned how to convert bigger unit into smaller unit. Bigger unit into smaller unit. So, do you remember what we have to do? So, for that we have to multiply. but now today we will learn how to convert how to convert smaller unit into bigger unit so this is just opposite of this so you know that what is the opposite of multiply मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या होता है दैट इज डिविजन एडिशन का ऑपोजिट सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन का ऑपोजिट एडिशन मल्टीप्लीकेशन का ऑपोजिट ऑपोजिट एंड का मल्टीप्लीकेशन सो इफ वी हैव टू कन्वर्ट स्मॉलर यूनिट इन टू बिगर यूनिट देन वी हैव टू डिवाइड वी हैव टू डिवाइड और इसको लर्न कैसे करेंगे सपोज बी फॉर बिगर यूनिट एंड एस फॉर स्मॉलर यूनिट ये मैंने खुद बनाया था बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि जब हम बिगर से स्मॉलर यूनिट करते हैं तो कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना है और स्मॉलर से बिगर तो क्या है ये बच्चों को लर्न नहीं होता है और बार बार वो मिस्टेक करते हैं फॉर देट मैंने एक लर्न uh, करने के लिए ट्रिक बनाई है वट यू हैव टू डू बी फॉर बिग एंड एस फॉर स्मॉलर यूनिट बी so, से अगर हम ऐसे लर्न करें तो बहुत शोर क्लास में बहुत शोर होना चाहिए नहीं होना चाहिए क्लास में बहुत शोर नहीं होना चाहिए सो क्रॉस इट तो दैट मीन्स जब हमने बिग यूनिट से स्मॉलर यूनिट बनाना है तो वी हैव टू क्रॉस बहुत शोर नहीं होना चाहिए सो क्रॉस एंड अपोजिट ऑफ दिस स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट अब क्या हो गया स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट अपोजिट ऑफ दिस शोर बंद हो गया सो so, शोर बंद हो गया तो ये सही हो गया करेक्ट हो गया तो अपोजिट ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज डिवीजन दैट इज क्रॉस का क्रॉसिट राइट सो दैट इज दिवीजन सो शोर बंद हो गया तो हम डिवाइड करेंगे और अगर बहुत शोर हो रहा है तो दैट इज क्रॉस हमें नहीं करना चाहिए क्रॉस सो दैट इन दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई सो इन दिस वे यू कैन लर्न और uh, easily learn what you have to do which operation you have to use now first of all we will convert converting a centimeter into meters so again what do you have to keep it in mind the relation between meter and centimeter so you know that 100 centimeter makes 1 मीटर हंड्रेड सेंटीमीटर सो वेवर वी है जो इन दोनों के बीच में रिलेशन होगी क्योंकि जब हम बिगर टू स्मॉलर यूनिट कर रहे थे तब हम मल्टीप्लाई करते थे तो मल्टीप्लाई किससे करते थे जो यूनिट्स के बीच में रिलेशन होती है सो हियर हंड्रेड सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन मीटर लेट एस टेक वन एग्जाम्पल सपोज टू हंड्रेड सेंटीमीटर सो यू हैव टू कन्वर्ट देंटीमीटर इन टू मीटर सो वट यू विल डू यू विल डिवाइड किससे डिवाइड करेंगे हम इसको इसको हम हंड्रेड से डिवाइड करेंगे नाउ You know, in previous chapter, in division chapter, unit फोर uh, uh, you have learnt how to divide the number by 10 100 1000 like this. अगर हमें किसी भी नंबर को टेन हंड्रेड या थाउजेंड से डिवाइड करना होता था तो हम क्या करते थे सपोज टू सेवन थ्री फोर फाइव डिवाइडेड बाय हंड्रेड सो औरली हम डायरेक्ट कैसे डिवाइड करते थे हम जीरोज काउंट करते थे और जितने जीरो हैं उतने ही हम प्लेसेस राइट साइड से अलग कर देते हैं सो ट्वेंटी थ्री इज अवर कोशेंट एंड रिमेंडर इज जो लास्ट के टू डिजिट दैट इज फोर्टी फाइव आई होप यू रिमेंबर दिस वी हैव लर्नड इन यूनिट फोर डिवीजन सो दिस इज ओवरल डिवीजन सो इन द सेम वे लास्ट के टू डिजिट क्या है सॉरी लास्ट हाउ मेनी टू सो लास्ट के टू हम सेपरेट कर देंगे सो व्हाट विल लेफ्ट टू मीटर इज लेफ्ट एंड जीरो जीरो सेंटीमीटर सो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है सो आंसर इज टू मीटर और अगर आप वैसे भी डिवाइड करना चाहें तो टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय हंड्रेड यू नो हंड्रेड का टेबल हंड्रेड टू टू हंड्रेड so 0 so what is the answer that is 2 so 2 meter is the answer now let us take uh, one more example uh, 8500 centimeter now again you have to convert the centimeter into meter so smaller unit to bigger unit what you have to do we have to divide डिवाइड so, किससे करेंगे बाय वन हंड्रेड सो डिवाइडेड एटी फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाय हंड्रेड सो डिवाइड ओरल मेथड से कीजिए चाहे किसी भी मेथड से कीजिए वी हैव टू सेपरेट द टू लास्ट टू डिजिट्स. सो एटी फाइव मीटर इज द आंसर सो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर नाउ let us convert uh, meters into kilometers so again here we have to convert smaller unit into bigger unit what is the smaller uh, meter is the smaller unit and kilometer is the bigger to small to big what we have to do ट किससे डिवाइड करना है द रिलेशन बिटवीन मीटर एंड किलोमीटर सो यू नो दैट वन थाउजेंड मीटर मेक्स वन किलो मीटर सो दैट मीन्स वी हैव टू डि थाउजेंड मल्टीपी जब हम बिग टू स्मॉल करते थे यूनिट्स को तो भी हम मल्टीप्लाई करते थे किससे जो रिलेशन होती थी या थाउजेंड से यहां पर भी हमने सेम वैसे ही करना है नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल अगेन फाइव थाउजेंड मीटर इज द क्वेश्चन एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस मीटर इनटू किलोमीटर दैट मीन स्मॉलर यूनिट इनटू बिगर यूनिट सो वी हैव टू डिवाइड डिवाइड बाय डिवाइड बाय थाउजेंड नाउ हेयर अगर हम ओरली डिवाइड करें तो हाउ मेनी जीरोज आर देयर थ्री जीरोज और तो हमने लास्ट के थ्री डिजिट सेपरेट करने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास थ्री जीरोज है अगर हम हंड्रेड से करते हैं टू डिजिट सेपरेट करते हैं पर यार थ्री जीरोज हैं तो वी हैव टू सेपरेट लास्ट थ्री डिजिट्स सो वट वैफ्ट इज फाइव सो दैट इज फाइव किलोमीटर इज द आंसर और अगर आप डिवाइड करना चाहें तो फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाई वन थाउजेंड सो थाउजेंड One thousand table, one thousand one, ja, one thousand two, ja, two thousand three, ja, three thousand four, ja, four thousand five, ja, five thousand. So five is the answer, and remainder is zero. So five kilometers. In the same way, let us take one more example. Uh, forty-three thousand. Suppose we have to convert this forty-three thousand meter into kilometers. Now what we have to do?

What is left is forty-three kilometer. So in this way, we can convert smaller unit into bigger unit, and that is uh, centimeter into meter and meter into kilometers. Now in next video we will learn how to convert centimeter into meters and centimeters, and meters into kilometers and meters. Thank you.